हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज के एमसीक्यूज को, जो कि जुडिशरी एग्जाम और एपी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। अगर आप मेरी क्लासेस लाइव देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइव क्लासेस से मेरे जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द टॉम बाबर इज एट फर्स्ट ऑप्शन लाहौर, आगरा, काबुल या दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको? तो करेक्ट ऑप्शन आपको काबुल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। विच प्लेनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विन? क्या वो जुपिटर है, मार्स है, वीनस है या सैटर्न देखने को मिलेगा आपको? तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो वीनस देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। बाय हूम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कैसे किया जाता है, बेसिकली इलेक्शन कैसे होता है? क्या ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोट डालते हैं उस प्रोसेस में, या लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्शन में आपको पीपल ऑफ इंडिया या ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैसे चुने जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन जो करता है वो ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लोकसभा के सारे मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? किस साल में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया बेसिकली? 1911, 1912, 1910 या 1905? दिल्ली से पहले आपका कोलकाता था जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया था। दिल्ली को कब डिक्लेयर किया गया बेसिकली? तो आपको 1912 देखने को मिल जाएगा डेट, जब दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं बेसिकली आप लोग? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, या आप जानते हैं उसे फास्फोरस के नाम से? तो वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो उसे जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, बद्रुद्दीन तैयब जी या मोहम्मद अली जिन्ना? क्या लगता है आप लोगों को? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बद्रुद्दीन तैयब जी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, किसने स्टार्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? क्या लगता है आप लोगों को? तो आपको कुमारगुप्त देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया? कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? तो जो करेक्ट ऑप्शन देखने मिलेगा वो है गंगा, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी,
एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी देखने को मिलेंगी आपको। तो जब भी हम देखते हैं फर्स्ट इंडियन की बात करते हैं, इंडियन वुमेन की, तो आपको सरोजिनी नायडू देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन क्वेश्चन आए तब आप क्या मार्क करेंगे? एनी बेसेंट मार्क करेंगे। फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर आप देखेंगे तो उस केस में आपको सरोजिनी नायडू देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया के किस सिटी को बेसिकली मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? कोयम्बटूर है, सोलापुर है, मदुरई है या चेन्नई? तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया आपको कोयम्बटूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ? कौन सी नदी किनारे अहमदाबाद सिटी जो आपको देखने मिलेगी? साबरमती रिवर है, माही है, लूनी है या आपको नर्मदा? कौन सी नदी के किनारे आपको अहमदाबाद सिटी देखने को मिलती है शहर? तो अहमदाबाद आपको साबरमती के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन? क्या लगता है आप लोगों को? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो बात करते हैं समुद्रगुप्त की, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर? फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे इंडिया में बेसिकली? 1955, 1952, 1950, 1953? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1955, 1952, 1951 या 1953? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से स्टार्ट होके 1952 तक हुए थे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री देखने मिलेगी वर्ल्ड में आपको? कजाकिस्तान, कनाडा, यूएसए या जापान? क्या लग रहा है आप लोगों को? लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में यूरेनियम का, तो वो आपको कजाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन? क्या लगता है आपको, स्किन के थ्रू कौन सांस लेता है? स्किन के थ्रू अगर आप देखोगे तो फ्रॉग देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? समुद्र तट की बात करें, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आपको लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन देखने को मिलेगी? क्या वो आंध्र प्रदेश है, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो वो गुजरात की कोस्टल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1940, 1942, 1943 या 1945? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1940, 42, 43 या 44, सॉरी 45? तो आपको 1942 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द फर्स्ट यूरोपियंस इन द मॉडर्न टाइम टू एंटर इन टू ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वर द? कौन थे वो जैसे पहले ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किया यूरोपियन में? क्या वो डच थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिश देखने को मिलेंगे आपको? याद रखिए आप लोग, जो फर्स्ट में आए थे और सबसे लास्ट भी वही गए थे, तो आपको पुर्तगीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें लास्ट में फिर गोवा से गए लास्ट में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो कौन सी लेक है जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? तो फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो लेक सुपीरियर आपको देखने को मिलेगी, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? कहाँ पे है? द हेग में
न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या लंदन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन है। तो अगर हेडक्वार्टर की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो आपको दी हेग में देखने को मिलेगा। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको, जिसमें चांस है आपको थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करने का और अपने गोल को अचीव करने का। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। 15 तारीख से ऑलरेडी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि राजस्थान और हरियाणा मेंस के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे आपको बैचेस देखने को मिलेंगे, टोटल 15+ बैचेस देखने को मिलते हैं आपको। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको आनंद सर लाइव कोड यूज करके 10% का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं आप लोग। इसके साथ अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका जो मेन्स फोकस टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप होगा, इसके साथ ही आपको लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर मिल जाएंगे आप लोगों को। प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे आप लोगों को मिलते हैं। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जुरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल एक्ट, सारे स्टेट से कवर कराए जाते हैं, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अलावा जितने अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो सारे जुडिशियल एग्जाम में आते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा आपको, जहाँ से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स की बात करें, तो आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज़ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कोर्सेस आपका टाइम पे कंप्लीट कराया जाता है, और क्लास के नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। T20 मॉक टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगी, जो आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे, और एविडेंस एक थर्सडे, और मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको फ्राइडे देखने को मिल जाते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस प्लान की बात करें, तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे 24 मंथ्स का प्लान जो कि 55,000 का है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव, तो 10% का फ्लैट ऑफ होने के बाद ये आपको पड़ेगा 49,500 का। इसमें ईएमआई ऑप्शन भी आप लोगों को 0% इंटरेस्ट पे देखने को मिलती है। 6 महीने, 12 महीने, 18 और 24 महीने के प्लान पे आपको ईएमआई ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 0% इंटरेस्ट पे होगा। इसके बाद हमसे आप जुड़ सकते हैं अन अकेडमी जुडिशी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती है। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग आनंद मिश्रा पेन के नाम से। मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2021 में सबसे साफ कौन सा शहर ने अवार्ड जीता बेसिकली, क्या वो भोपाल है, इंदौर है, न्यू दिल्ली है या सूरत? मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ये अवार्ड अभी रिसेंटली इंदौर ने है, जो कि 5th टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या प्लेटिनम? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या प्लेटिनम? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा सिल्वर। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आफ्टर एवरी, कितने साल बाद 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन कराया जाता है बेसिकली राज्यसभा में? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 साल? राज्यसभा में इलेक्शन आप कितने साल बाद देखने को मिलते हैं, जिसमें 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बेसिकली? तो आपको 2 साल बाद देखने को मिलेगा, और जो टर्म होती है वो 6 साल होती है राज्यसभा मेंबर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां कराया गया था? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे या कैलकटा? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फर्स्ट सेशन आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे में, जो पहला सेशन था। डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा महासागर आपको कौन सा देखने को मिलता है, कौन सा ओशियन देखने को मिलेगा आपको महासागर सबसे गहरा? तो सबसे गहरा जो है, गहराई है जिसकी, वो है आपका पैसिफिक ओशियन। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी क्रिएट्स इट्स ऑन बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन ईयर 2021,
2021 में कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अपना खुद का एजुकेशन बोर्ड एस्टेब्लिश किया है? क्या वो लद्दाख है, सिक्किम है, दिल्ली है या तेलंगाना है? क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप भी मेरी लाइव क्लासेस, लाइव एमसीक्यू क्लासेस, बेसिकली जीएस या लॉ के रिगार्डिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा जो कि अनअकैडमी का है मेरी प्रोफाइल का लिंक, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरी क्लासेस आपको लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड की बात करें तो दिल्ली है जिसने अपना खुद का नया बोर्ड स्टैब्लिश किया है। इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, अगर सूरज ना हो तो आप जो आसमान का क्या कलर होगा, बेसिकली रंग, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू या येलो, क्या लगता है आप लोगों को? तो अगर सूरज नहीं है तो उस केस में जो स्काई का कलर होगा वो आपका ब्लैक होगा। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ गैप बिटवीन एनी टू सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में जो मैक्सिमम गैप होता है दो सेशंस के बीच में वो कितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा? 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर या 10 वीक्स, क्या लगता है आप लोगों को? कितने महीने या दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप दो सेशंस? 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर या 10 वीक्स? तो ये आपको 6 महीने का टाइम गैप है, इससे ज्यादा टाइम गैप नहीं हो सकता बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? क्या वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है? गिर नेशनल पार्क राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या एमपी? तो गिर नेशनल पार्क जो है वो आपका गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुकुमार सेन, आर एन शुक्ला, वी आर गिल या डी बी महावर, क्या लगता है आप लोगों को? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन, आर एन शुक्ला, वी आर गिल या डी बी महावर? तो आपको फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो देखने मिलेंगे वो है सुकुमार सेन। ठीक है, थैंक यू।